बामोर कला में कोली समाज के कबीर मंदिर से उठाई नायब तहसीलदार ने कबीर साहब की प्रतिमा। कोली समाज के लोगों में आक्रोश। बामोर कला थाना को कोली समाज के लोगों ने घेरा। 4 जून को बाबा कबीर साहब की जयंती। खबर खनिया थाना से है, जहां खनिया थाना के अंतर्गत आने वाले थाना बामोर कला ने आज खनिया थाना नायब तहसीलदार प्रमोद तोमर ने प्रशासनिक दृष्टि से बामोर कला में बने कबीर आश्रम से बाबा कबीरदास जी की मूर्ति को पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर मूर्ति को उठाकर थाने लाया गया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि जो कबीर आश्रम बामोर कला में बना है वह शासन के अनुसार शासकीय भूमि में बना हुआ है एवं वहीं पर बाबा कबीरदास जी की मूर्ति की स्थापना के लिए मूर्ति लाई गई थी और 4 जून को बाबा कबीरदास जी की जयंती भी है। इसको लेकर खनिया थाना व खनिया थाना के आसपास के क्षेत्र के लोग बड़े धूमधाम से बाबा कबीरदास जी की जयंती मनाने वाले थे, जिसको लेकर आज नायक तहसीलदार खनिया थाना के द्वारा बाबा कबीरदास जी की मूर्ति को पुलिस बल के साथ बामोर कला थाने में रखवा दिया गया है। कोली समाज के लोगों में आक्रोश होने से कोली समाज के लोगों ने बामोर कला थाना को घेर लिया है। आपको बता दें कि अब कोली समाज के लोग मांग कर रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्ति ससम्मान कबीर आश्रम में पहुंचाई जाए, नहीं तो हम सभी लोग थाने से नहीं हटेंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल खनिया थाना नायब तहसीलदार भी थाने में ही मौजूद हैं और अपने उच्च लेवल के अधिकारियों से संपर्क में बने हुए हैं। नायब तहसीलदार प्रमोद तोमर का कहना है कि जैसे ही हम हैं हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों से आदेश मिलता है उसी हिसाब से हम कार्यवाही करेंगे। इसमें अब बामोर कला थाना प्रभारी नीरज राणा से बात की गई तो उनका स्पष्ट कहना था कि नायब तहसीलदार साहब हमसे बल की मांग की गई थी और कबीर मंदिर बुलाया था। जी मेरा नाम मोहन कोली है, मैं कोली समाज का अध्यक्ष हूँ सर। नहीं ये आप थाने पर जुड़े हो महिलाओं सहित, क्या मामला हो गया? जी सर जी मामला हो गया कि हमारी कबीर जयंती मनाई जा रही थी सर 4 तारीख को, तो हम लोग उस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। हम लोग कोई घर पे नहीं थे, ना हमारी टीम घर पे थी कोई, तो भगत जी के पास आए वो चाबी लेने के लिए, तो उन्होंने नहीं दी चाबी, तो फिर वो निकल गए, फिर उन्होंने ताला तोड़ा। चाबी लेने कौन आए थे? तहसीलदार साहब आए थे और सर वो कोई पुलिस वगैरह होगी उनके साथ में, वो महिला तो पहचानती नहीं है कुछ, तो फिर उन्होंने ताला तोड़ा और मूर्ति ले आए सर। मूर्ति कहाँ है अभी? मूर्ति सर थाने में रखी हुई है। आप लोग यहाँ पर जुड़े हो, आपको क्या मांग कर रहे हैं? सर हमारी कबीर जयंती 4 तारीख को मनना चाहिए, जय मूर्ति के साथ हम सरकार से जय मतलब आग्रह कर रहे हैं, ये हम निवेदन कर रहे हैं सर। हमारे पूरे क्षेत्र में 200 किलोमीटर वर्ग मतलब 200 किलो एरिया में क्षेत्रफल में हमारी पार्टी लग प्रचार प्रसार हो गया है और सर हमारी पब्लिक आ रही है और हम लोग न्याय चाहते हैं, हमारी मूर्ति वहाँ पहुँचना चाहिए और तहसीलदार साहब पे हमारी FIR होना चाहिए और हम कुछ नहीं चाहते हैं। हम जब हटेंगे यहाँ से जब हमारी मांग पूरी हो जाएगी ना, तर हम यहाँ से नहीं हटने वाले। हम यहाँ पे पूजा अर्चना यहीं पे करेंगे, यहीं पे अपनी कबीर जयंती ही मनाएंगे। आप लोग जब थाने में बैठे हो, क्या हो गया यहाँ पे थाने में, क्यों जुड़े हो? हम इसलिए जुड़े हुए हैं कि बोलो तहसीलदार आए थे, पहले उन्होंने पूछा तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो हमने उनसे मना किया कि हमारे पापा हैं नहीं अभी। कहने लगे कहाँ गए, मैंने कि उनका पता नहीं है, तो हमारे लिए चाबी दे दो मंदिर की। कौन से मंदिर की? वो कबीर मंदिर की। तो हमने कही चाबी हमारे पास नहीं है, पापा जाते उन्हीं के पास होगी। तो कहने लगे अच्छा तो अंदर होंगे, तो हमारे लिए हम यानी अंदर धक्का देते हुए निकल गए। अंदर पहुंचे तो चारों कमरों में उन्होंने जहाँ की तखत के नीचे देखा कि कहीं दुखे हों कि नहीं, फिर हमसे बोले कहने लगे कि हम देख लेंगे, आपके लिए धमकी दी। हाँ और नहीं आप बताओ कहाँ हैं आपके पापा। मैंने कि हमें पता नहीं है, हमारे घर में कोई नहीं है, आपका ये कोई हक नहीं बनता कि इधर आओ ने? और आप हम कोई भी नहीं था, ना हमारे बच्चे थे और हम अकेले थे, घर में कोई नहीं था, ना हमारे पास मोबाइल था कि हम किसी को फोन कर सकें कि किसी। फिर क्या हुआ? बस बहुत नहीं धमकी दे के और फिर आराम से बाहर निकल गए। हाँ फिर मंदिर पहुंचे। हाँ फिर मंदिर पहुंचे, सो मंदिर से यानी अब ये पता है कि मूर्ति उठ के आ गई। तो हम तो ये चाहते हैं कि तुम्हारा नहीं, हमने नहीं दी नहीं। हाँ ताला टूटा है, हमने चाबी नहीं दी, कोई था ही नहीं। तहसीलदार साहब के साथ और कौन थे? एक और थी यानी अब हम तो वैसे पहचानते नहीं है। पुलिस वाले थे? हाँ गन लिए हुए थे, उनके पीछे था। क्या नाम है भैया? जी मनोज कुमार कोहली। आप लोग यहाँ पर महिलाओं सहित थाने पर धरना दे रहे हो, क्या नाम है?
जी क्या है कि हमारा कबीर साहिब जी का मंदिर है, वहाँ पर एक तहसीलदार साहब आए और उन्होंने वहाँ से प्रतिमा ताला तोड़कर उठाई है वहाँ से, और वहाँ पर जो भी सामान था वहाँ से वो भी उठा लिया वहाँ से। अब आप लोगों की क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि जैसा हमारा पहले साहब व्यवस्थित था, हम वैसी चाहते कि वो हमारी वैसी व्यवस्थित हो जाए प्रतिमा, मैं सम्मान सहित हम यही चाहते, हमारी यही कामना है। तो अभी आपकी तहसीलदार साहब से बात हुई है, क्या कह रहे हैं? अभी हमारी तहसीलदार साहब से बात नहीं हुई है अभी। नहीं जी।